एक कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ है फॉर्म्स एन इमेज विच इज वन बाई एन टाइम्स द ऑब्जेक्ट एक कॉन्वेक्स मिरर है और वो एक इमेज बना रहा है जिसका साइज वन बाई एन टाइम्स है ऑब्जेक्ट के साइज का अब पूछ रहे हैं द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर मिरर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या होगी ये आपको बताना है ठीक तो जरा समझिए सिचुएशन क्या है ड्रॉ करेंगे इसको हम मान ली प्रिंसिपल एक्सिस है और हमको कॉन्वेक्स मिरर बनाना है ये इस तरह से हमने कॉन्वेक्स मिरर बना लिया ठीक और कॉन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन का एक ही केस होता है कि ऑब्जेक्ट अगर कहीं यहां रखा है कहीं भी रखा है ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे एक रियल है कहीं भी रखा हुआ है तो उसकी जो इमेज बनती है वो हमेशा पोल और फोकस के बीच में बनती है फोकस यहाँ पे क्या होगा पोल पोल और फोकस के बीच में बनती है और वो हमेशा डिमनिश होती है वर्चुअल होती है और इरेक्ट होती है ठीक है कॉन्वेक्स मरर केस में सिर्फ एक ही केस होता है फॉर ए रियल ऑब्जेक्ट अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो सिर्फ एक ही सिचुएशन होती है ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं भी रखाओ इस यहां पोल से लेकर इन्फिनिटी तक आप उसको कहीं भी रख दो इमेज हमेशा कहां बनेगी पोल और फोकस के बीच में बनेगी डिमिनिश होगी साइज में साइज में छोटी होगी इरेक्ट होगी और वर्चुअल होगी ठीक वही कह रहे हैं कि अब इस क्वेश्चन में वही कह रहे हैं कि जो इमेज बन रही है वो साइज में वन बाई एन टाइम्स है ठीक है इमेज का साइज जो है वो क्या है वन बाई एन टाइम्स ठीक है तो ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज का जो रेशियो होता है वही उनकी के के होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट जो होता है तो इमेज की डिस्टेंस भी वन बाई एन होगी तो अगर मैं कि ऑब्जेक्ट यहां से एक्स डिस्टेंस दूर है तो इमेज की यहां से जो डिस्टेंस होगी वो होगी आपकी एक्स बाई एन क्लियर ठीक क्योंकि इमेज का साइज वन बाई एन है अब बस आपसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछ रहे हैं ये एक्स पूछ रहे हैं एक्स बता क्या है तो अगर इसकी फोकल लेंथ एफ है तो अब इसमें हम क्या करते हैं मिरर फॉर्मूला लगा देते हैं मिरर इक्वेशन लगा देते हैं और मिरर इक्वेशन होती है वन बाई वी प्लस वन बाई यू इज इक्वल टू वन बाई एफ सारी डिस्टेंसेज पोल से मेजर करेंगे और पोल से इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में यानी इधर जो डिस्टेंसेज होंगी वो पॉजिटिव मेजर होंगी और इधर जो डिस्टेंसेज होंगी वो सारी निगेटिव मेजर होंगी ठीक तो v कैसा होगा तो v तो आपका होगा पॉजिटिव x बाई एन तो n पहुंच गया आपका ऊपर प्लस u u कैसा होगा u होगा आपका नेगेटिव माइनस एक्स इज इक्वल टू फोकल लेंथ इसकी कैसी होगी पॉजिटिव होगी कि निगेटिव तो ये पॉजिटिव साइड में है तो ये क्या होगी प्लस एफ तो x अगर हम कॉमन लें एक्स अगर हम एल्सियम लेंगे तो ऊपर बनेगा एन माइनस वन इज इक्वल टू वन बाई एफ तो यहां से जो x डिस्टेंस आपकी आ गई वो कितनी आ गई एन माइनस वन टाइम्स एफ तो ये होगी आपकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर सो योर आंसर इज ए पार्ट क्लियर द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज फिफ्टी सेंटीमीटर फोकल लेंथ जो है वो दिए पचास सेंटीमीटर वेयर एन ऑब्जेक्ट इज बी प्लेस सो दैट द इमेज इज टू टाइम्स एंड इन्वर्टेड अब ये ठीक है ठीके? तो मिरर बनाएंगे यहां पे हम मान लिया आपकी प्रिंसिपल एक्सेस है और ये हमने बनाया कॉनके मिरर ठीक पॉलिशिंग कहां से करेंगे इधर से इसमें पॉलिशिंग करेंगे तो ये कह रहे हैं कि इसमें कि ऑब्जेक्ट द फोकल लेंथ कॉनके मिरर की पचास सेंटीमीटर दी है पूछ रहे हैं ऑब्जेक्ट हम कहां रखें ताकि इमेज जो है वो टू टाइम्स बने और इन्वर्टेड बने तो इसमें क्या क्या केसेस होते हैं आपको तो वो समझ लेने अगर मान ली ये इसकी फोकल लेंथ है फोकस है इसका ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है ठीक तो इसमें सिचुएशन ये होती है कि अगर ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंफिनिटी के बीच में रखा है तो इमेज फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनती है इन्वर्टेड होती है रियल होती है और साइज में छोटी होती है और जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में आ जाता है ऑब्जेक्ट यहां रखा होगा तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर चली जाती है तो हम वही सिचुएशन देखेंगे क्योंकि हमें इमेज का साइज डबल करना है टू टाइम्स एंड इनवर्टेड हमें इमेज का साइज डबल करना है तो ऑब्जेक्ट आपने रखा होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में तो इससे जो इमेज बनेगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर बनेगी साइज में बड़ी होगी इन्वर्टेड होगी रियल होगी अभी कह रहे हैं इमेज का साइज डबल है तो इमेज का साइज अगर डबल है तो इसका मतलब इमेज की डिस्टेंस डबल रही होगी क्योंकि साइज का रेशियो उनके डिस्टेंस के रेशियो के प्रोपोर्शनल होता है उसके बराबर होता है ठीक है तो इमेज अगर डबल साइज की है तो इमेज की डिस्टेंस भी क्या रही होगी डबल रही होगी ठीक है तो इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट यहां से एक्स डिस्टेंस पे है तो इमेज यहां से कितनी डिस्टेंस पे बनी होगी टू एक्स डिस्टेंस पे बनी होगी इस तरह से और इसकी फोकल लेंथ आपको दी है पचास सेंटीमीटर ठीक है हमसे तो ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस पूछ रहे हैं माइनस हम है। तो एक्स है? है? और फोकल लेंथ कितनी होगी माइनस फिफ्टी तो ये वन बाई टू एक्स और ये वन बाई एक्स तो ये थ्री बाई टू एक्स हो जाएगा माइनस का और माइनस से माइनस इधर कैंसिल आउट हो जाएगा तो थ्री बाई टू एक्स जो आपका आया वन बाई फिफ्टी के बराबर आया तो टू से कैंसिल करेंगे ये कितने टाइम्स ट्वेंटी फाइव टाइम्स तो एक्स आपका आ गया सेवेंटी फाइव सेंटीमीटर ठीक है ऑब्जेक्ट आपको कहां रखना पड़ेगा सेवेंटी फाइव सेंटीमीटर ठीक है ऑब्जेक्ट जब 75 सेंटीमीटर पर रखेगा रखेंगे तो इमेज बनेगी आपकी 150 सेंटीमीटर पर अब आप देखिए फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर थी और सेंटर ऑफ कर्वेचर 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर पर हो गया तो देखिए इसके बीच में आया कि नहीं आया ये इसी के बीच में आया ये 75 सेंटीमीटर सो योर आंसर इज ए पार्ट एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7.5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉनवेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 25 सेंटीमीटर एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट का साइज दिया सेवन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर कहां रखा है, हमने? के सामने रखा है. जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है इसका आधा करेंगे तो उसकी फोकल लेंथ आ जाएगी और कितने डिस्टेंस पर रखा है चालीस सेंटीमीटर पर इमेज का साइज आपसे पूछ रहे हैं तो पहले हम इमेज की डिस्टेंस निकालेंगे और फिर इमेज का साइज निकालेंगे ठीक है तो डायग्राम बनाएंगे पहले कॉन्वेक्स मिरर क्या है इसकी फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर 25 सेंटीमीटर तो फोकल लेंथ क्या है 12.5 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट का साइज आपको दिया है और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दिया की से कितनी है चालीस सेंटीमीटर तो पहले हम इसकी इमेज निकालेंगे आइडिया तो हमको है कि इमेज जो भी बनेगी फोकस के अंदर ही बनेगी इमेज आपकी जो भी बनेगी फोकस के अंदर ही बनेगी यानी इमेज डिस्टेंस जो है वो 12.5 सेंटीमीटर से कमी आने वाली है ठीक है इमेज डिस्टेंस जो है वो 12.5 सेंटीमीटर से क्या आने वाली है कमी आने वाली है ठीक है सॉल्व करते हैं फिर वन बाई वी मान लिया इमेज डिस्टेंस यहां से है एक्स या वी रखते हैं वी वी रहने देते हैं वन बाई वी प्लस वन बाई यू इज इक्वल टू वन बाई एफ वी को वी रहने देते हैं हम हमें नहीं पता कहां बन रही इमेज कैसी बन रही है वी सब कुछ बताएगा विद साइन आएगा क्योंकि हमने बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाया मैंने वी को वी छोड़ दिया मतलब मैं ये भी नहीं बता रहा हूं कि इमेज कहां बन रही है किस साइड बन रही है साइन भी यूज नहीं कर रहा हूं मैं इसका ठीक है तो आंसर जब आएगा तो विद साइन लग के आएगा वो ये भी बताएगा कि इमेज कहां बनेगी लेकिन अगर मैंने डिस्टेंस मान ली होती एक्स और v की जगह रखा होता है माइनस एक्स इसका मतलब मैंने अब आपको यह बता दिया है कि इमेज कहाँ बन रही है और उसका साइन मैंने यूज कर लिया है और जब मैंने साइन यूज कर लिया है तब जो एक्स बचा वो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड आंसर आता फिर उसमें साइन लग के नहीं आता क्योंकि आपने साइन की इन्फॉर्मेशन पहले से ही दे दी है अभी अगर मैं वी को वी रहने तू कुछ नहीं कहूँ मुझे नहीं पता वी कहाँ है कहाँ पर इमेज बन रही है पॉजिटिव है कि नेगेटिव साइड में बन रही है वी को वी छोड़ दिया मैंने तो अब जो आंसर आएगा तो उसमें प्लस माइनस सब कुछ लग के आएगा ठीक तो देखिए प्लस 1 by U कितना है है तो तो आपका करेंगे या फिर 2 by 25 भी कह सकते हैं आप इसको. और ये पॉजिटिव साइड में इसलिए इसको प्लस लिखा है हमने. तो यहां से 1 by v जो आपका आएगा वो आपका 2 by 25 1 by 40. आएगा, वो आ जाएगा टू बाई ट्वेंटी फाइव प्लस वन बाई फोर्टी इनका जो एलसीएम आएगा वो टू हंड्रेड आ जाएगा ट्वेंटी फाइव से टू हंड्रेड कैंसिल होगा एट टाइम्स ये हो गया 16 प्लस 40 से ये कैंसिल आउट होगा फाइव टाइम्स तो जो इमेज की डिस्टेंस आ गई v वो आपकी आ गई 200 हंड्रेड अप और ये सम आपका बन गया 21 अब देखिए पॉजिटिव आंसर आया कि नहीं आया तो ऑटोमेटिक जो आंसर है वो सब कुछ बता रहा है आपको कि किस साइड है और क्या वैल्यू है और इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट अगर ये 21 को अगर मैं 20 कहूँ तो ये लगभग 10 सेंटीमीटर है या 10 सेंटीमीटर से थोड़ा सा कम है ठीक चलो अभी तो हम यही वैल्यू यूज करेंगे और क्या पूछा गया आपसे आपसे इमेज का साइज तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो होता है वो होता है माइनस हाइट हाइट ऑफ ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट कितनी है तो वो दिए 7.5 सेंटीमीटर पॉजिटिव ठीक है अब देखिए जरा इसमें इसमें मैंने हाइट ऑफ इमेज में कोई प्लस या माइनस नहीं डाला हाइट ऑफ इमेज को हाइट ऑफ इमेज ही रहने दिया तो ये भी बताएगा कि इमेज ऊपर इरेक्ट होगी कि इन्वर्टेड होगी ठीक है हाइट ऑफ इमेज को मैं सिर्फ हाइट ऑफ इमेज रहने दे रहा हूँ ठीक है तो ये सब बताइए फॉर्मूले से जो आंसर निकल के आएगा अगर पॉजिटिव आ गया तो इरेक्ट होगी और निगेटिव आ गया तो इन्वर्ट होगी इज इक्वल टू माइनस वी कितना है तो वी है आपका प्लस टू हंड्रेड अपॉन ट्वेंटी वन और यू कितना U है यू है आपका माइनस फोर्टी तो ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया तो जो हाइट ऑफ इमेज आ रही है वो पॉजिटिव ही निकल के आ रही है कितनी आ जाएगी वो तो ये आपका फोर्टी से कैंसिल करेंगे कितने टाइम्स फाइव टाइम्स तो ये आ गया फाइव अपॉन ट्वेंटी वन और ये 7.5 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इन सेवन पॉइंट फाइव ठीक तो ये लगभग अगर हम अप्रोक्सीमेट निकाल रहे हैं तो 7.5 से लगभग ये कैंसिल आउट होगा थ्री टाइम्स और थ्री से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये अराउंड वन पॉइंट सिक्स 1.7 पॉइंट सेवन के आसपास डिवाइड होगा तो उसका एक ही आंसर यहां पे मैच कर रहा है वो आंसर क्या है बी पार्ट क्लियर द इमेज फॉर्म्ड बाई ए कॉम्प्लेक्स द इमेज फॉर्म बाई ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ थर्टी सेंटीमीटर इज क्वार्टर द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज का क्वार्टर है इसका मतलब इमेज की डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस की भी क्वार्टर होगी और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आपसे पूछ रहे हैं तो डायग्राम बना के और फटाफट इक्वेशन बना लेते हैं इसमें इस तरह की सिचुएशन है फोकल लेंथ कितनी है तीस सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट लिया यहां से अगर एक्स डिस्टेंस पर रखा है तो इसकी जो इमेज बनेगी वो इरेक्ट होगी वर्चुअल होगी डिमिनिश होगी और ये कह रहे हैं कि क्वार्टर साइज की बन रही है तो इमेज डिस्टेंस भी क्वार्टर हो जाएगा एक्स बाई फोर बस अब हमें एक क्वेश्चन लगानी वन बाई वी प्लस वन बाई यू इज इक्वल टू वन बाई एफ वी कितना है तो प्लस एक्स बाई फोर यू कितना है माइनस एक्स ज इक्वल टू फोकल लेंथ कितनी दी हुई है फोकल लेंथ आपको दी है थर्टी सेंटीमीटर तो ये फोर बाई एक्स हो जाएगा ये माइनस वन बाई एक्स होगा तो बचा ये थ्री बाई एक्स थ्री बाई एक्स इज इक्वल टू वन बाई थर्टी तो एक्स जो आपका आया वो आपका आया नाइन्टी सेंटीमीटर क्लियर सो योर आंसर इज नाइंटी सेंटीमीटर एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस फोर्टी सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनके मिरर ऑफ फोकल ट्वेंटी सेंटीमीटर ठीक है 20 cm, को हमने 40 है मिरर फोकल चालीस सेंटीमीटर पर रखा ठीक है अब आप खुद समझ लीजिए इसमें अगर कॉनकेव मिरर है और उसकी फोकल लेंथ बीस सेंटीमीटर है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर तो उसका चालीस पर मिलेगा डायग्राम बना के समझिए जैसे मान लीजिए ये सिचुएशन है माल्या के मिरर है और यहां इसकी फोकस फोकस है ये फोकस 20 सेंटीमीटर पे है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां होगा इसका 40 सेंटीमीटर पे और सेंटर ऑफ 40 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट रखा है यानी ऑब्जेक्ट आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रखा है और अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी क्यों क्योंकि यहां से जाने वाली लाइट रे जब मिरर पे पहुंचेगी तो वो परपेंडिकुलरली हिट करेगी और जब परपेंडिकुलरली हिट करेगी तो उसी डायरेक्शन से ये वापस आ जाएगी तो जहाँ ऑब्जेक्ट है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे उसी पे क्या बनेगी आपकी इमेज रियल बनेगी एक बात इन्वर्टेड बनेगी दूसरी बात तीसरी बात यह है कि जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस सेम है तो उनके साइजेस भी सेम होंगे तो सेम साइज़ की इमेज बनेगी रियल इन्वर्टेड एंड सेम इन साइज सो योर आंसर इज ए पार्ट